बहराइच में इलाज के नाम पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आए दिन मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल उर्मिला नामक महिला को उसके परिजन इलाज के लिए लखनऊ ले जा रहे थे, तभी दीक्षा अस्पताल के संचालक और उनके सहयोगियों ने उन्हें बहला फुसलाकर अपने अस्पताल में भर्ती करा लिया। उन्होंने मरीज के परिजनों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल ली, लेकिन इलाज में लापरवाही बरतने के कारण महिला की मौत हो गई। कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र देने के बाद भी अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहां पर आप आएंगे? जी, गौरव सिंह नाम है मेरा और मेरी समस्या मेरी माँ के मृत्यु को लेकर है। और पूर्व में ही मैं आया था इससे पहले भी सीएमओ साहब के पास, और कई बार मैंने कंप्लेन की है और अभी तक कोई ना जांच हुई है ना कुछ, और मुझे बस इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। क्या हुआ था आपके माँ के साथ? मेरी माँ के साथ इलाज में घोर लापरवाही हुई थी और उसकी वजह से मेरी माँ का देहांत हो गया था, और उस तब से लेके आज तक मैंने कई बार अप्लीकेशन दिया है और महोदय डीएम साहब के पास भी मैंने बाई पोस्ट अप्लीकेशन दिया था। आज फिर मैं आया हूँ उनके पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जितने भी सख्त हों, लेकिन उनके आदेशों का पालन बहराइच जिले के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पीड़ित परिवार की मां की मौत एक प्राइवेट नर्सिंग होम में हुई थी, जो नर्सिंग होम अवैध रूप में है, जैसा पीड़ितों का कहना है। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी अप्लीकेशन दिया, डीएम को पत्र दिया, डीएम से दो बार मिला, मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ लगातार चक्कर काट रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज देखने वाला विषय ये होगा किस प्रकार से पीड़ित को न्याय मिलता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट रूप से निर्देश है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।